वीडियो देखने वाले को ये इतला दी जाती है कि ये वीडियो एक तो आपने अकेले नहीं देखनी है और दूसरा अपनी अपनी जिम्मेदारी पर देखनी है। इतना क्रिंज, गलाजत और जलालत मुस्तकिल एक साथ देखने के बाद अगर किसी के आंख, नाक, कान या मुंह से खून आ जाए या कमजोर दिल हजरात इस कैंसर ज्यादा अजियत से जहाँ बहक हो जाए तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। कैसे नाम देते हो आदमी को, औरत का नाम देते हो? उठा ले रे बाबा, उठा ले, दब के मार जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हाँ जी, तो आज तवा लगाएंगे मरहूम मुजरों की दुनिया की याद में उसकी एक मशहूर मखलूक की जिसकी खूबसूरती देख के तो अच्छे अच्छों की सटक जाए। और मुझे कमर्स करके दास देना, जिस बच्चे ने आपको तंग किया उसका नाम मुझे कमर्स में दास देना, मैं उसको रात को आऊंगी और खा जाऊंगी। कानों को हलकान कर देने वाली कोयले के इंजन की तरह सुरीली आवाज जिसे सुनने के बाद कानों के पर्दे डगमगा जाएं। गाइस, भाग दे अंदर, पापड़ पूरे दा पूरा गले दे अंदर। खुराफाती टैलेंट से भरपूर, जिसे लोग प्यार से चंगड़ी या चंगड़ नहीं बुलाते हैं, वैसे इसकी मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, खैर अब तक तो समझ गए होगे। मैं बात कर रही हूँ आपकी और सिर्फ आप ही की, ऐसी चीज मुझे चाहिए। भैंसिया भी भिदक जाए तो वो इस तरह नहीं फुदकती है, धरती कांप जाएगी। बीबी जरा आहिस्ता। नहीं, मैंने एक गाल दसो, मैं तन केड़ी जगह तक खुसरा नजर आनी है। टिकटॉक का भी अजीब हिसाब किताब था, लड़कों को लड़की बनने का शौक था और लड़कियों को मर्द, जेंडर भी कहता होगा। Am I a joke to you? कौन कहता है कि मैं दलेर नहीं, मैं ते एक चपेड़ मारा ते दूसरे नु होश ही नहीं रहंदी। अच्छा जान ले, आ ते मुंह काट। इज्जत तो किसी की भी नहीं होती है घर में, पर इसकी तो टिकटॉक पे भी नहीं थी। कमेंट्स तो देखो, इतनी इज्जत अफजाई हो रही है वहाँ पर, जुआन की बच्ची को फर्क फिर भी नहीं पड़ता। लानत बेशमार, नहीं तो सी अपने अपने समझ दे की हो है, जे अगर कुछ कर नहीं कर सकते तो किसी नु गल भी ना करो। सही बात कही है, किसी ने खुश रहना है तो ढीठ बन जाओ। खैर कुछ है इसे जो सपोर्ट भी करते हैं। सॉरी, बिपाशा ने अगर ये देख लिया होता ना तो उसने अपने हाथों की नस काट के जान दे देनी थी। आंखों का इलाज कराओ बीबी, ये मोतिया के आसार हैं। तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है, मर मिटाऊं, मर मिटाऊं। बंदर का तमाशा दिखाने वाले का जो बंदर होता है ना, उसकी चाल में भी थोड़ी बहुत नजाकत होती है, पर ये क्या है, ये क्या बात है वे चट्टा, क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में सांड बेकाबू हो गया, वो भी पिंक कलर में। टिकटॉक पे एक सांड के भिदक जाने की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। बंदर भी कहता होगा क्या दिन आ गए हैं, टिकटॉकर के साथ वीडियो बनानी पड़ी, वो भी इसके साथ। चल हट भूतनी के, मेरी भी कोई इमेज है। इंसान तो इंसान, इसने तो जानवरों का जीना भी हराम कर रखा था, वो भी बेचारे अब शुक्र अदा करते होंगे। जितने भी टिकटॉक के लड़के, मैं उसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़की है ना, उनको पटाया होगा, लेकिन मुझे पटा के बताओ। हरकतें तो देखो इसकी, भोली सी सूरत और बातें देखो। मैनू एक गल दी समझ नहीं आंदी, टिकटॉक ते इंस्टाग्राम ते मैनू रज बड़ियां कुड़ियां फोन करदियां ने, रज बड़े मैसेज करदियां, यार कोई मुड़ा नहीं करदा है, क्यों? तुझे देखते ही कर दी रब से यारजू, आ तू जलाल, तू आई भला को टाल तू। लड़कों का दिमाग खराब थोड़ी है, अंधे थोड़ी है वो जो ऐसी हरकतें देखकर भी लिफ्ट आएंगे। माना महकमाए ठहर किया थर जिंदा लड़की के पीछे लटक जाते हैं, पर देखो हरकत देखो इसकी, ये देखो। गाइस पल गए हैं, याद आया, याद आया, बाघ पूरे का पूरा।
क्यों लड़कों की जान लेनी है, वैसे ही बेचारे माओं से जलील होते रहते हैं, और बंदी भी ऐसी मिली तो फिर तो जिंदगी खत्म समझो। गाइस बर्फी पूरी गाइस नींबू पानी पूरा पूरा गले के अंदर गाइस शवारमा पूरे ना पूरा इतना बड़ा मुंह। मर गई मेरी तो भूख ही मर गई, इतनी बुरी तरह खाता। देख अब तो 2-3 दिनों तक मैंने खाने का सोचना भी नहीं है। और ये बताओ इसे गाइस कहना किसने सिखा दिए? इतना ही नहीं, मोहतरमा गानों और सुरों की भी मैयत निकाल देती हैं। वेक दिन तू नहीं होना मेनू सुकून मिल जाना तेरी याद मेनू कोई नहीं आवनी ला 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 ला। इतनी नोकीली आवाज है कि किसी भरे के कानों में भी जाके लगे तो वो भी बोलेगा। क्यों कल्ला फाड़ के गा रही है बेसुरी औरत, एक तो शर्म भी नहीं आती ऊपर से गाना भी नहीं आता। इसकी आवाज के आगे तो ये जहरीला बाजा भी मासूम लग रहा है। एक कप चाय उनके नाम जिनके सरों में इसकी वजह से दर्द था। पूरी टिकटॉक पे ना मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई है तो मुझे दिखाए। खुश रहना चाहिए लेकिन खुशफहमियों में नहीं, खूबसूरत नहीं इसे खौफसूरत कहेंगे। यार ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं, मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस, फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन इसका तो कॉन्फिडेंस का कटोरा भर के उबल के गिर रहा है। लगता है जब कॉन्फिडेंस बांटते वक्त लोगों पर छींटे मारे जा रहे थे ना, तब इसने कॉन्फिडेंस के ड्रम में डुबकी मार ली थी। गाइस कॉन्फिडेंस पूरा दा पूरा अंदर। बंदा इतना छोड़े जितना सामने वाला लपेट सके, क्या हमें इसके चेहरे की जंग लगी बासी रौनक दिख नहीं रही? और ऊपर से किसी महान जादूगर ने इस पे कोई एक्सपेरिमेंट भी कर दिया था। ठंड पावेगी कलेजे दिल कितना मन मेकअप लगा होगा इस मखलूक की मरम्मत करके इसे ऐसा बनाने में। वाकई जिसने भी किया है उसकी हिम्मत और टैलेंट को सलाम, मतलब हथौड़ा छेनी सब जंगालूद हो गए होंगे इस तजुर्बे के बाद तो। लड़कों देहान से जरा ये ऐसी हो सकती है तो फिर कैसे कैसे धोखे होते होंगे अल्लाह जाने, वाकई भरोसा उड़ गया मेकअप से। और मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, मुझे जो गरीब लोग है ना मुझे बहुत पसंद है। जो कह रहे ना हमने आपके साथ दोस्ती करनी है, तो मैं आपको बता दूं हम ऐवी शामी बंदियां नहीं है, ठीक है? हम तो आम सी बंदी हैं, बस ये है कि 3 लाख की शॉपिंग मुझे करवा दो तो हम बस ऐवी आपके साथ। इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती है जितनी जल्दी ये मखलूक अपनी बात से पलट जाती है। खैर काफी लंबी हो गई है, अब यहाँ खत्म करते हैं, इस पे बोलती रही तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो अब मुझे दो इजाजत, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।